रत्नाकर का तप अखंड शुरू था। वो निरंतर जाप करता रहा। उसकी आंखें बंद थी और मन राम नाम में दंग था। वो अपने आप को भी भूल गया, न खाना न पीना न नींद। ऐसे ही बहुत साल वो राम नाम के जाप में मग्न हो रहा था। ऐसे बहुत साल बीत चुके, हालात में बदलाव आया। एक दिन बहुत भारी वर्षा हुई। वर्षा के पानी के कारण उसके शरीर पर जो मिट्टी का ढेर बना था वो बह गया। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। नारद मुनि उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो उठे। नारायण नारायण, वत्स आंखें खोलो। मुनिवर, ये सब आपकी कृपा है। अच्छी संगत से आदमी अच्छा बनता है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। वत्स, अब अपना पूर्वांश भूल जाओ। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध है। तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल गई है। तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ है। ये तुम्हारा नया जन्म है। अब तुम्हारा नाम वाल्मीकि है। आज से तुम इसी नाम से जाने जाओगे। मुनिवर, आपके दिखाए हुए मार्ग से ही यह संभव हुआ है। मैं आपका आभारी हूं। मैं ये उपकार कैसे भूल सकता हूँ। महर्षि, अब आप सारे ऋषियों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि के पद पर पहुंचे हो। तीनों लोक में आप वाल्मीकि के नाम से जाने जाओगे। आप और आपके शिष्य संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। नारायण नारायण। वाल्मीकि ने अपना आश्रम गंगा के तट पर बसाया। कई ऋषि अपने परिवार के साथ उनके आश्रम में रहने लगे। भारद्वाज ये वाल्मीकि का प्रिय शिष्य था। वाल्मीकि ने अपने जीवन की बहुत सी घटनाएं उसे ही बताई थी। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता वाल्मीकि के आश्रम आ पहुंचे। लगता है हम वाल्मीकि के आश्रम के यहां पहुंच गए हैं।
हे भगवान, स्वामी मैं थक गई हूँ, मैं विश्राम करना चाहती हूँ। भ्राता श्री, वो देखिए उस नदी के किनारे कितने सारे मुनिवर बैठे हैं। मुझे लगता है वे वाल्मीकि हैं और उनका वो शिष्य परिवार है। ये क्या प्रभु, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? प्रणाम। शायद ये सपना ही है। नहीं ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि, ये कोई सपना नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूँ। हे श्री रामचंद्र, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप हमारे आश्रम आइए। सीता, तुम मेरी पुत्री हो, बहुत थक गई हो, कुछ देर यहां विश्राम करो। लक्ष्मण, तुम भी चलो। वाल्मीकि और उनके शिष्यों ने राम लक्ष्मण की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिष्यों ने उन्हें पीने के लिए पानी लाकर दिया, उन्हें बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की, खाने के लिए फलाहार और दूध दिया। कुछ समय विश्राम के पश्चात राम ने उन्हें अपने वनवास की कथा सुनाई, जो उसने अपने पिता को वचन देकर निभाया था। श्री रामचंद्र, आप दुनिया में सबसे महान हो। पिता के वचन के अनुसार आपने राज्य त्याग दिया, राज सिंहासन छोड़कर वनवास में जाना किसी सामान्य आदमी का काम नहीं, यह महापुरुष का काम है। आपके नाम की शक्ति बहुत बड़ी है, उसी नाम जाप से मैं एक सामान्य आदमी से ब्रह्म ऋषि बन गया। भगवान, आप धन्य हो, धन्य हो। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि, आपको ईश्वर का कृपा प्रसाद मिला है, वो केवल आपकी भक्ति के कारण, इसमें आपके जन्म तथा संपत्ति का कोई संबंध नहीं। ये केवल आपकी निस्वार्थ भक्ति की महिमा जो पृथ्वी तथा स्वर्गलोक तक पहुंची है, और हमें आपकी भक्ति पर गर्व है। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि, हम आपके दर्शन से धन्य हुए। भगवान, आपने यहाँ आकर ये भूमि पावन कर दी है, अब बताइए यहाँ आने में आपका कोई विशेष हेतु? महर्षि वाल्मीकि, हमें आपके आश्रम के पास रहने की इच्छा है, इसलिए कृपा करके हमें एक अच्छी सी जगह दिखाइए। इस आश्रम के पश्चिम की ओर चित्रकूट नाम का पर्वत है, घना जंगल, वृक्ष, भरपूर फल और फूल, ये प्रदेश आपके रहने के योग्य है प्रभु, आपको वो पसंद आएगा। वाल्मीकि ने राम को उस पर्वत तक छोड़ दिया। श्री राम वहां अपनी पत्नी तथा बंधु समवेत कुछ समय तक वहीं रहे।